Hello students, now we are going to start exercise 5.3. The very first question of the exercise is express the following rational number with positive exponents. यहाँ आप जैसे देखोगे तो ये जो सारे रेशनल नंबर हमें गिवन है इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव दिया हुआ है, तो इन नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है. इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो रेशनल नंबर है अगर हम उसका इन्वर्स कर दें या वी कैन से हम अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो जैसे अगर यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, 2/5 raised to the power -7 है, तो इस -7 को प्लस करने के लिए, प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशनल नंबर को इन्वर्स करना पड़ेगा. तो ये 2/5 की जगह हो जाएगा 5/2 raised to the power 7. तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ. सेकेंड देखो, यहाँ 1/2 है तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2, अपॉन में 1 लिखने का तो कोई सेंस होता नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 2 raised to the power 3. थर्ड देखो, थर्ड हमें यहाँ पर ये कैसे गिवन है, ये पावर ऑफ पावर की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको पावर ऑफ पावर की फॉर्म में गिवन है इसलिए पहले क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ये. तो ये क्या हो जाएगा, 13/15, और जब पावर ऑफ पावर गिवन होती है तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये -2 × 3 हो जाएगा, विच मीन्स 13/15 raised to the power -6. अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/13 और पावर हो जाएगी 6. फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमें इसको इन्वर्स करना है, तो ये क्या होगा, इसको रेशनल नंबर को हम इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/-5 raised to the power 8. नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट. हमें इन रेशनल नंबर को नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ बताना है. मतलब हमने फर्स्ट में क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाया था, अभी हमें यहाँ पॉजिटिव गिवन है और हमें इसको नेगेटिव बनाना है, वही चीज़ करनी पड़ेगी. चाहे नेगेटिव का पॉजिटिव करो चाहे पॉजिटिव का नेगेटिव करो, हमें जो गिवन है उसका इन्वर्स करना होगा. तो यहाँ पर 1/3 raised to the power 2 है तो ये इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 raised to the power -2. यहाँ पर हो जाएगा 18/13 raised to the power -5. यहाँ क्या हो जाएगा, 17/-11 raised to the power -3. ये पावर ऑफ पावर की फॉर्म में गिवन है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5/13 तो ये 2 × 6 हो जाएगा, तो 5/13 2 × 6 कितना होता है, 12. अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/5 raised to the power -12. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है. तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है 2 raised to the power -4, तो इस -4 नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1/2 raised to the power 4, यही होगा. अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, 4 times लिखना है, 1 × 1 × 1 × 1, और नीचे भी आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होगा, और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/16. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 3/4 raised to the power -4. पहले इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 4/3 raised to the power 4. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें 4 कितनी बार लिखना है, 4 times लिखना है, 1, 2, 3, 4 अपॉन 3 भी हमें 4 times लिखना है. तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 256, और नीचे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 times तो आंसर आएगा 81. इसका आंसर आएगा 256/81. थर्ड, -7/9 raised to the power -2. अगेन इसके साथ भी वही चीज़ करेंगे, पहले एक्सपोनेंट को प्लस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9/-7 raised to the power 2. एक्सपांड कर देंगे इसको तो 9 × 9 / -7 × -7. मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 का कितना होता है,
81 और 7 ज़ा 49 होता है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया है। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सिक्स पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इन्वर्स करेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3। एक्सपांड करेंगे इसको, माइनस 7 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, अपॉन 4 को भी हमें 3 टाइम्स लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का कितना होता है, 7 का इज 49, 49 इंटू 7 इज 343। साइन चेक कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 4 4s are 16 and 16 4s are 64. The answer is minus 343 upon 64. Next question, question number 4, simplify. हमें इसको simplify करके solve करके लिखना है। हमें given है 3 upon 11 raised to the power 5 into 3 upon 11 raised to the power 3. अब यहाँ पे इसको solve करेंगे, हमें जब पता है जब कभी base same हो और exponent अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, exponents को plus कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 upon 11 माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको 3 अपॉन 11 तो माइनस 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़ा नंबर जो है वो क्या है, माइनस में है, तो साइन भी यहाँ पर माइनस में लगेगा। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एक्सपोनेंट है वो तो नेगेटिव है, तो हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 11 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2, है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव में था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपांड कर देंगे, 11 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 3। 11 इंटू 11 कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो इसका आंसर आएगा 121 अपॉन 9। सेकेंड पार्ट, 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट है इनको प्लस में कर देते हैं। एक्सपोनेंट को प्लस में करेंगे तो क्या होगा, इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2। अब हमें यहाँ क्या गिवन है, डिवाइड में गिवन है, तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको उसमें चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सेकंड वाला हमारा जो रेशनल नंबर है उसका हम इन्वर्स कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 भी कितनी बार है, 2 टाइम्स है, ये हो जाएगा, और डिवाइड में सॉरी यहाँ पे 5 टाइम्स है तो हमें इसको 5 टाइम लिखना है, 3, 4 एंड 5। 5 टाइम्स तो हमने 5 लिख लिया है, और 2 कितनी टाइम लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 हमें कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। अब जो जो पर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए, देन 5, ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ बचा क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पर हमें क्या बचा है डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 होगा अपॉन 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर आएगा 125 अपॉन 8। इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, दैट यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। थैंक यू।